एक बेहतरीन सोच देश में बदलाव ला सकती है। और जब बात हो शिक्षा की तो देश के लिए होनहार और बेहतर पीढ़ी की उम्मीदें परवान चढ़ने लगती हैं। इन दिनों कुछ ऐसी ही उम्मीद बालाघाट जिले में देखने को मिल रही है। दरअसल IRS लोकेश लिल्हारे के नेतृत्व में छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक संघ के द्वारा ग्रामीण बच्चों को नवोदय जागृति अभियान के तहत गांव-गांव में निशुल्क कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 5वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग किताबें और अन्य शिक्षण सामग्री निशुल्क दी जा रही है। इस मुहिम के परिणाम स्वरूप देखा जा रहा है कि कल तक जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते थे या गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते थे, उन बच्चों में पढ़ाई के प्रति गजब का आत्मविश्वास देखा जा रहा है। और अब नवोदय की परीक्षा के लिए आत्मविश्वास से लबरेज बच्चे कहने लगे हैं कि तैयार हैं हम। आप भी देखिए देश की होनहार पीढ़ी बनने की ये सकारात्मक खबर। छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक संघ के द्वारा पिछले कई महीनों से देश के कई राज्यों के ग्रामीण अंचलों में नवोदय परीक्षा, सैनिक स्कूल की परीक्षा सहित अन्य परीक्षा की तैयारियों के लिए फ्री कोचिंग किताब और अन्य माध्यमों से बच्चों को जोड़ने का काम किया गया है। अब कई राज्यों में लगभग 1000 से अधिक सेंटरों में ग्रामीण बच्चों में शिक्षा की एक ऐसी अलख जगाई गई है कि अब ये मुहिम क्रांतिकारी बदलाव के साथ देश में बेहतर भविष्य गढ़ने वाली साबित होती दिखाई दे रही है। क्या नाम है बेटा? साहिल लिल्हारे। यहाँ काहे के लिए आए थे आप? पढ़ाई के टेस्ट के लिए। काहे का टेस्ट है, क्या है, कैसी तैयारी की आपने? नवोदय का टेस्ट है और अच्छी तैयारी चल रही है अभी हमारी। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अच्छा, क्या तैयारी कर रहे हो आप लोग यहाँ नवोदय के लिए? अभी नवोदय के लिए यहाँ पे अभी आकृति और हिंदी भाषा और गणित। तो तैयारी हो गई? अब कब है एग्जाम? एग्जाम 30 तारीख को है। अच्छा, कितनी तैयारी की हो आप लोगों ने? अभी बहुत तैयारी हो गई है हमारी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम असीम सिंहोरी है। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी क्या टेस्ट देने बैठे थे और कैसी तैयारी की आप लोगों ने? अभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, नवोदय का टेस्ट दे रहे थे। क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे आकृति, गणित, हिंदी भाषा पढ़ाया जाता है। बेटा पहले कैसे रहते थे बच्चे लोग गर्मी की छुट्टी में और अभी क्या क्या आप लोगों को तैयारी? गर्मी की छुट्टी में सब खेलते कूदते थे और अभी गर्मी की छुट्टी में सब नवोदय के। पड़ोसी कई राज्यों सहित मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों के ग्रामीण इलाकों में नवोदय जागृति अभियान चलाकर छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक टीम की एक मुहिम आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसकी जमकर सराहना हो रही है। इस मुहिम से जहां बच्चों की पढ़ाई के प्रति गजब का आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, तो वहीं बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों के आए बदलाव से बेहद खुश हैं। अब शिक्षा के लिए इस क्रांतिकारी कोशिश से बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गाँव में सकारात्मक माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है। हरीश लिल्हारे, संवाददाता। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है नवोदय टेस्ट परीक्षा हो रही है बच्चों की, जिस स्थान पर वो ग्राम पंचायत है पाथरवाड़ा। ऐसे कई ग्राम पंचायत है जहां पर नवोदय टेस्ट के जरिए जो है बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक पैदा की जा रही है। नवोदय की एग्ज़ाम के लिए बच्चों को किस तरह तैयार किया जाना है, इसके लिए बाकायदा जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ आलोक टीम है, छू लो आसमान और आलोक टीम के द्वारा अथक प्रयास करके बच्चों में पढ़ाई के प्रति जो ललक पैदा की जा रही है वो काबिले तारीफ है। यहाँ पर एक इसे क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। एक सोच शिक्षा के लिए जो उम्मीद के रूप में जागी थी, उसे धरातलीय स्तर पर किस तरह कामयाबी के तौर पर बनाया जा रहा है, इस संबंध में हम यहाँ पर आलोक टीम मौजूद है, छू लो आसमान की टीम मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि ये जो एक सोच से धरातल पर बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक पैदा की गई है, इसके लिए उन्हें किस तरह का प्रयास करना पड़ा। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे IRS लोकेश लिल्हारे जी से कि किस तरह बच्चों में उन्होंने ललक पैदा की। जी बताइए। देखिए हरीश जी, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी में अंतर नहीं देखता है, ना ऊंच नीच देखता है, ना जात देखता है, ना कलर देखता है, ना समाज देखता है, ना गांव देखता है। अगर आप में योग्यता है तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आलोक संघ छू लो आसमान किसने रोका है और समस्त समाज मिलकर यह मुहिम चला रहा है।
नवोदय एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से गरीब बच्चों को भी ऐसे स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल मिलता है, जबकि हम सामान्य स्कूल की बात करें तो 7 से 8 लाख रुपए साल के लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वही सुविधाएं, वही व्यवस्थाएं। और आपको भी अनुभव होगा कि जो नवोदय से स्कूल से पढ़कर निकलता है वो बच्चा जीवन कुछ ना कुछ बन जाता है, उसको एक संगत भी ऐसी मिलती है, 24 घंटे की संगत मिलती है। तो हमने ये अभियान चालू किया ताकि गाँव का बच्चा जो योग्य है, जो सपने देखता है और जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, हम केवल एक उत्प्रेरक के रूप में, सहयोगी के रूप में उनको सहयोग कर सकें और उनको उनके सपनों को उड़ान ले सकें। ये सोच कहाँ से पैदा हुई और एक धरातल स्तर पर लाने का जो संघर्ष रहा वो क्या है? मैं व्यक्तिगत बात करूँ, अपनी बात करूँ तो मैं भी एक गांव का बच्चा हूँ और महुआ मलाशखंड का मेरा एजुकेशन हुआ, जाम लाल बर्रा का रहने वाला हूँ। 4 एकड़ की जमीन थी मेरे पिता की, इतना कुछ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा क्या था कि आज मैं बड़ी बड़ी जगह बैठ गया, बड़े बड़े काम कर गया। उसका कारण एक ही था, एजुकेशन। मैंने पुस्तकें से प्यार किया, दिन रात उसकी सेवा की, उसकी तपस्या की और उस पर पढ़ाई की, उस पर मेहनत की और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो मेरा मानना है कि हर कोई सामान्य बच्चा अगर एजुकेशन को अपना भविष्य बना ले, पुस्तकों को अपना जीवन संगनी बना ले, तो जीवन में वो किसी भी सपनों को पूरा कर सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।